कार्ड पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे सभी उपस्थित हमारे इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदस्य, पदाधिकारी और पत्रकारगण और झंडारोहण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, वरिष्ठ पत्रकार कार्यालय संवाददाता हिंदुस्तान टाइम्स जनाब काजी अब्दुल रहमान साहब, आप सभी लोगों का हम इस झंडारोहण कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज इस पावन पर्व पे जो हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इसमें देश के अनिन्य ज्ञात और अनजात शहीदों ने कुर्बानियाँ दी है, जिसमें पत्रकारों की भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पत्रकारों ने अपनी लेखनी के माध्यम से अंग्रेजों की गुलामी की प्राधीनता से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी लेखनी के माध्यम से पत्र पत्रिकाओं से इस देश के नागरिकों में ऊर्जा और जागरूकता प्रदान करने की जो है कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी रहे। देश में तमाम ऐसे पत्रकार हुए हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी जी और अजीमुल्ला खान साहब और इस तरह से बहुत से मदन मोहन मालवीय जी और इनके जैसे बहुत से पत्रकार रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर इस देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। और ये 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का जो है संविधान जो है लागू किया गया था, उसी उपलक्ष्य में हर साल हम लोग जो है गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। और हम सभी पत्रकार साथी ये आज इस झंडे के सामने ये प्रण लेते हैं और आप लोगों से भी उस प्रण में कि आप लोग देश के संविधान को अक्षुण बनाए रखने के लिए, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता हम करते रहेंगे। धन्यवाद। अगले साहब बना दीजिए, आप खड़े हो जाए उसी साइड में खड़े, चल चल वीडियो ना। जब हमने अपना एक दस्तूर बनाया, एक संविधान बनाया, उसमें हमने ये कहा कि हमें गणतंत्र राष्ट्र हमारे जो नागरिक हैं उनके कुछ बुनियादी अधिकार होंगे और उसको हम एकता समानता को बनाए रखेंगे। और आज हमने संकल्प लेते हैं जो हमारे पुराने हमारे नेतृत्वों ने, हमारे नेताओं ने इस तरीके से जो धरोहर हमें सौंपी है, हम एक रहें, राष्ट्र को मजबूत बनाएं, राष्ट्र सर्वोपरि है, हम फिर से एक होने का प्रण लेते हैं और कोशिश करेंगे कि इस झंडे की अजमत को और इस तिरंगे की अजमत को बताएं। आज छोटे छोटे 26 जनवरी एक साथ बढ़ाने ली